सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE के अपडेट्स पाए सबसे पहले। रेसलिंग जगत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। एक ट्रेनर रेसलर विलियम ओग्लेट्री की एक स्टेट लेवल रेसलिंग मुकाबले में रिंग में मौत हो गई। बैटल ऑफ लीजेंड इन ओकेशी के इस मुकाबले में विलियम को प्रतिद्वंदी ने स्पाइन बस्टर मार दिया था, जिससे उनके सिर में इंजरी हो गई और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। विलियम ओग्लेट्री एक कॉमेडियन भी थे। जिस इवेंट में विलियम ने भाग लिया था वो लीगल नहीं था, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। अब इस इवेंट की जाँच की जा रही है, लेकिन ये संपूर्ण रेसलिंग जगत के लिए वाकई में दुखद खबर है। नेक्स्ट अपडेट है, पूर्व NXT चैंपियन बॉबी रूड के स्मैकडाउन लाइव में डेब्यू करने के बाद उनकी फ्यूड रूसेव से तय थी, लेकिन अब उनकी स्टोरी लाइन चेंज कर दी और आगे बॉबी रूड की फ्यूड डॉल्फ जिगलर से देखने को मिल सकती हैं। रूसेव फिलहाल कंपनी से खुश नहीं है, इसलिए कंपनी ने उनकी जगह जिगलर को डाल दिया। अब देखना होगा फैंस इस फ्यूड को कितना पसंद करते हैं। डॉल्फ जिगलर की पहले फ्यूड सिंस के नकामुरा से भी चली थी। खैर, अब बॉबी रूड का मेन रोस्टर करियर किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज़ हिंदी चैनल को।